जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें से टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में हमारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। बता दे दोस्तों कि हमारी भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को बुरी तरह से हराकर टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का बदला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, जीत के बावजूद भी हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग इलेवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और अपने प्लेइंग इलेवन में बदलाव करते ही प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। बता दे दोस्तों कि हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग इलेवन में दो खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के तुरंत बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपने प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है और अपने प्लेइंग इलेवन में ऐसे ऐसे खतरनाक उखाड़ खिलाड़ियों को शामिल किया है जो कि इंग्लैंड के टीम को तीसरे मुकाबले में बहुत बुरी तरह से हरा कर रख देंगे। बता दे दोस्तों कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग इलेवन में जिन जिन खतरनाक उखाड़ खिलाड़ियों को शामिल किया है, वे सभी इंग्लैंड के टीम को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। तो आखिर दोस्तों, हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपने प्लेइंग इलेवन में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो क्या रहने वाली है तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए हमारे भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग इलेवन, बताएंगे आप सभी को पूरी खबर। और साथ में यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का यह तीसरा मुकाबला कब और किस मैदान पर खेला जाएगा और आप सभी लोग इस मैच को कितने बजे से लाइव देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है बेहतर ओपनर बल्लेबाज? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगर आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बता देता हूँ कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का यह तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा और आप सभी लोग इस मैच को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग इलेवन की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैटल में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे, क्योंकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इस समय कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और हर मैच में कम स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं और हर मैच में ताबक तोड़ रन बना रहे हैं। बता दे दोस्तों कि पहले तो यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट मैच में खतरनाक बल्लेबाजी की थी और 80 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त 209 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड के टीम को चौंका दिया था। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक लगाया था, जिसके बदौलत हमारी भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच गया था। इसलिए ओपनिंग बैटल में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे। फिर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी की थी और 104 रनों की पारी खेली थी, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि शुभमन गिल अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। नहीं तो दोस्तों, इनकी टीम से छुट्टी मानी जा रही थी, लेकिन इन्होंने शतक लगाकर टीम में अपनी वापसी करा ली है, इसलिए नंबर 3 पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 4 पर कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर की जगह सरफराज खान को मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों पिछले दोनों टेस्ट मैचों में श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी जगह पर नंबर 4 के लिए सरफराज खान को मौका दिया गया है। फिर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शिखर भरत की जगह लोकेश राहुल को अपने टीम में वापसी कराई है, क्योंकि दोस्तों पिछले दो टेस्ट मुकाबले में शिखर भरत कुछ खास नहीं कर पाए थे, इसलिए नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दे दोस्तों कि केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में खतरनाक 86 रनों की पारी खेली थी, हालांकि थोड़ी सी इंजरी के कारण दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन अब इनकी वापसी हो गई है और नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आएंगे, हालांकि दोस्तों इन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए फिर से एक बार नंबर 6 पर मौका दिया गया है। तो वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो नंबर 7 और नंबर 8 पर अक्षर पटेल और आर अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 9 पर स्पिन गेंदबाज के तौर पर चाइनामैन कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब नंबर 10 और नंबर 11 पर भारतीय तेज खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये रही इंग्लैंड के खिलाफ हमारे भारतीय टीम की तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11।